चार दिन पहले रविवार की रात सेक्टर 63 में गार्ड की हत्या कर लूट का मामला सामने आया था। गार्ड कीमो क्लोथिंग डिजाइन कंसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड में तैनात था। लुटेरे कंपनी में रखे दो लॉकर्स में से लाखों रुपए लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इन लुटेरों के पास से पुलिस को लूटा हुआ सामान मिला है। रुपए भी इनसे 3,18,500 बरामद। कितने पैसे कितने तिजोरियों में दोनों? दूसरी तिजोरी बरामद होने के बाद स्थिति स्पष्ट कर पाए हैं, लेकिन कंपनी के स्वामी ने जो हमें बताया है उनके हिसाब से 7,44,000 रुपए दोनों तिजोरियों में थे। और इस तिजोरी में से जो रकम नहीं बरामद हो पाई है वो ये है, जैसा सामान्य पूछताछ में इन्होंने बताया था, 20,000 की इन्होंने कपड़ों पड़ों की पर्चे दी। लूट में मृत गार्ड की भूमिका संदिग्ध है, हालांकि पुलिस अभी गार्ड की भूमिका को लेकर खुलकर कुछ नहीं बोल रही। मामले में और भी बदमाश शामिल थे जिनकी तलाश जारी है। लाल सिंह के साथ वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नोएडा।